वेलकम बैक दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिस भाई को अपने ट्रैक्टर की सिलोरेस सेट करनी नहीं आती है, या सिलोरेस कम है या ज़्यादा है, उसे सेट कर सकते हैं। और साथ ही जिस भाई के ट्रैक्टर की रिदम मतलब फुड़की ज़्यादा मारता है या कम फुड़की मारता है, वो अपने ट्रैक्टर की फुड़की को सेट कर सकता है। चलो जल्दी से बोनेट को ओपन कर लेते हैं। भाइयों बोनेट ओपन हो गया है और मैं इसे दिखाता हूँ। यहाँ से एक ये है और ये, इसे नहीं छेड़ना है फिलहाल, इसको बाद में पहले इसे सेट करना है। ये आपकी सिलोरेस सेट करने का है। तो भाइयों चलो 10 नंबर का चाबी और 10 नंबर का ही पाना लेना है और एक पेंचकस, साथ ही इस बोल्ट को उतार लेना है। और फिर इसको एक पीछे और नट है इसे रोकने के लिए, इसके साथ ही आपको पेंचकस से पहले इसे रोकना होगा ताकि ये बोल्ट ना उतर जाए, और उसे पीछे से उतार लेना है। और फिर आपको जैसे आप इसे बढ़ाएंगे तो आपके RPM बढ़ जाएंगे, अब बढ़ रहे हैं, और जैसे उतारेंगे तो आपके RPM घट जाएंगे। बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे आप रेस को भी मूवमेंट होते देख सकते हैं। देखिए ये मूवमेंट हो रही है। तो आप जहाँ पे अपना RPM सेट करना चाहते हैं, फ़िलहाल ट्रैक्टर मैंने बंद किया हुआ है, किसी कारणवश ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं कर पाया, तो आप जहाँ पर भी ट्रैक्टर RPM सेट करना चाहते हैं वहाँ पर इसे सेट करके वहाँ पर रोक कर आप ट्रैक्टर के RPM सेट कर सकते हैं, स्लो RPM। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं। कुछ भाई जो है नीचे वाला जो है उससे सेट कर लेते हैं, लेकिन उससे आप सेट कर सकते हो, लेकिन उससे कंट्रोलर ख़राब हो जाता है, वो हम आपको अब बताते हैं। ये जो नीचे वाला है इसे भी उतार लेते हैं, इसका भी बताते हैं आपको। जिस भाई का ट्रैक्टर ज़्यादा फुड़की मारता हो, या जिस भाई को ट्रैक्टर की फुड़की पसंद ना हो, या बहुत से भाई को होता है कि ट्रैक्टर फुड़की मारे, तो इससे आप उसे सेट कर सकते हैं। ये आपको दिखाते हैं हम। ये 17 नंबर का चाबी और 17 नंबर का पाना लेना है। और ये पीछे इसी तरह जैसे ऊपर उतारा था पिछले वोल्ट को, ऐसे ही उतार लेते हैं। और इसे भी पेंचकस से ऐसे ही रोक लेंगे। इसका उल्टा है, जैसे आप इसे घटाएंगे तो फुड़की मारना बढ़ जाएगा, फुड़की ज़्यादा मारने लगेगा, और जैसे इसे आप फालतू करेंगे तो फुड़की ख़त्म हो जाएगी। मतलब जैसे बहुत से को फुड़की पसंद आती है भाई को, तो अपनी ट्रैक्टर की फुड़की या हंटिंग बोलते हैं उसे सेट कर सकता है कोई से भी ट्रैक्टर में। जिसमें डायफ्राम पंप आते हैं उसमें तो ये नहीं होता है, लेकिन जितने भी माइक्रो बॉस के DI ट्रैक्टर हैं, कोई भी ट्रैक्टर हो, आप सभी ट्रैक्टरों में इसी तरह RPM और फुड़की को सेट कर सकते हैं। तो भाइयों आपने देखा, अभी मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट नहीं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर ऐसे करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट ठीक ही होगा। ओके भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, धन्यवाद।